हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। बॉलीवुड का दिग्गज विलन जो फिल्मों में अपना लुक खुद करता था डिसाइड, जिसे देखकर हीरो के भी छूट जाते थे पसीने। 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर में अमरीश पुरी का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अमरीश पुरी ने 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर में लगभग 300 फिल्में की और उनकी आखिरी फिल्म किसना जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। 12 जनवरी 2005 को एक्टर का निधन हो गया था, लेकिन उनके यहाँ बताए गए किरदार बड़े फेमस हुए थे। साल 1984 में फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम जैसी हॉलीवुड फिल्म में अमरीश पुरी ने ये किरदार निभाया था। ये फिल्म बहुत ही खूंखार भी थी और इस फिल्म को आप हॉट स्टार या जियो सिनेमा पर देख भी सकते हैं। साल 1985 में आई हिंदी सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी ने एक सख्त पिता का रोल प्ले किया था। उनका ये किरदार आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो साल 1996 में आई हिट फिल्म कोयला में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आए थे, लेकिन अमरीश पुरी जैसे विलेन का किरदार लोगों को डरा गया था। उनका लुक तो आपने फिल्म में देख ही लिया होगा। इस फिल्म को आप G5 पर फ्री में देख सकते हैं। नंबर चार की बात करें तो साल 1987 में आई सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगेम्बो नाम के विलेन का रोल प्ले किया था। इस फिल्म को आप G5 पर भी देख सकते हैं। नंबर पांच की बात करें तो साल 1987 में आई फिल्म लोहा में अमरीश पुरी ने शेरा शेरा नाम के विलन का रोल प्ले किया था। इसमें अमरीश पुरी का खतरनाक रूप देखने को मिला था। इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर छह की बात करें तो साल 1992 में आई फिल्म तहलका में अमरीश पुरी का ये गेटअप आपको हंसाएगा भी और डराएगा भी। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने जनरल डोंग का रोल प्ले किया था। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। नंबर सात की बात करें तो साल 2001 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा में अमरीश पुरी ने अशरफ अली का रोल प्ले किया था। सनी देओल के साथ हुए एक संवाद को आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म को आप G5 पर देख सकते हैं। नंबर आठ की बात करें तो साल 2001 में आई फिल्म नायक द रियल हीरो में अमरीश पुरी का पॉलिटिशियन का रोल काफी पसंद किया गया था। उनके इस किरदार पर आज भी मीम्स बनते हैं। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। नंबर नौ और आखिरी फिल्म की बात करें तो साल 1996 में आई हिट फिल्म दिलजले में अमरीश पुरी ने दारा नाम का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में उन्होंने खूंखार आतंकवादी का रोल प्ले किया था जो काफी पॉपुलर रहा था, और इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।